यस हेलो एवरीवन, वी आर लाइव एंड वेलकम टू जेई लाइव स्प्रिंट। तो बच्चों आज हम रेडियो एक्टिविटी का रिवीजन कर लेते हैं। स्प्रिंट में आपको पता ही है जिस तरह से हम सारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, तो उसमें नेक्स्ट हमारा रेडियो एक्टिविटी टॉपिक आता है। वेलकम एवरीवन टू दिस चैनल। इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम जयंत नारदा, आई एम अ टॉप एजुकेटर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आपको बच्चों अगर अपने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करना है तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। करीब 7 लाख बच्चे ऑलरेडी इस चैनल पर रेगुलरली लेक्चर्स को देखते हैं, और ये जो स्प्रिंट सीरीज है ये आपके क्विक रिवीजन के लिए, जैसे कि नाम से आपको पता चल ही रहा होगा, एक क्विक रिवीजन के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। तो कीप फॉलोइंग ऑल दीज लेक्चर्स, कीप शेयरिंग विद हैशटैग जेई लाइव डेली ऑन वेर एवर यू कैन। एंड आई नो आप लोग बहुत बिजी हैं, कुछ बच्चे बोर्ड एग्जाम्स लिख रहे हैं और उसके दौरान भी ये एक एक घंटे के सेशंस मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एक घंटे के सेशन में लाइव आके जो कुछ भी वो फॉलो करेंगे अपने आने वाले जेई अप्रैल अटेम्प्ट में और बाद में एडवांस में भी बहुत काम आएगा। सो लेट्स बिगिन दिस वेरी क्विकली। इज एवरीवन हियर? आई कैन सी ऑल योर कॉमेंट्स। हेलो विपिन, शाशीष, सचिनंद, तापसी, हर्ष, हेलो टू एवरीवन एंड लेट्स बिगिन। सो बिफोर दैट लेट मी गिव यू वन इन्फॉर्मेशन दैट इस चैनल पे जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं बच्चों, वो सब के सब लेक्चर्स आपको tinyurl.com/jeemobile इस लिंक पे अवेलेबल हैं। सो मेक यूज ऑफ दिस पेज ऑल यू कैन। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 11th, 12th सेक्शन वाइज सारे लेक्चर्स यार अवेलेबल हैं आपके क्विक रिविजन के लिए। तो आपको जब भी ऑन द गो जे की रिवीजन करनी हो, पढ़ाई करनी हो, इस लिंक को जरूर सेव कर ले अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, आपको बहुत हेल्प रहेगा। साथ साथ अनअकैडमी पे हम प्रोवाइड करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, विच इज द बेस्ट थिंग आउट देयर। आपको पता होगा कि ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और अभी ये जो 2 ईयर प्लान है ये प्राइस ड्रॉप पे है। अगर आप यहाँ पे ड्रॉपर भी हैं तो कई ड्रॉपर बच्चों ने भी मतलब 12th में है और नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, तो ये 2 ईयर प्लान उन्होंने लिया है, क्योंकि दिस इज राइट नाउ ऑन अ वेरी स्टीप प्राइस। बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो गई है जेई की पढ़ाई, और ये कोड के साथ आपको अभी 1350 पर मंथ पे मिल रहा है, यानी कि ₹45 पर डे पे आपको जेई की ऑसम लेवल की तैयारी चल रही है। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तब आपको इस प्राइस पे मिलेगा। दिस कोड प्रोवाइड्स यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। इफ यू यूज द कोड एंड कम ऑन द प्लेटफॉर्म, आई विल बी गाइडिंग यू फॉर योर रेस्ट ऑफ द जेई प्रिपरेशन। साथ साथ आप इस कोड को यूज करके मेरे पर्पज को सपोर्ट भी करते हैं बच्चों। सो थैंक यू सो मच एंड लेट्स बिगिन। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडे स्प्रिंट सेशन। सो हेलो एवरीवन, एग्जाम पोस्टपोन होगा क्या? कौशिक पूछ रहा है। बेटा आई डोंट थिंक होगा, जब यार बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं निरंतर, नहीं होगा और नहीं होना भी चाहिए। आप ऐसे ही मान के चलो कि नहीं होगा, और अगर हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा रिवीजन के लिए, फिलहाल ये तो कर लें, ठीक है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्लीज आंसर दिस एज सून एज यू कैन, ठीक है? एंड जो सबसे पहले आंसर देगा उसको मैं नाम पुकारूंगा एज यूजुअल। सो हेलो विजयदीप, हेलो गार्गी, हाउ आर यू ऑल, एंड अभिनव, रमाकांत, आंसर्स आ चुके हैं बच्चों, एंड आई थिंक रमाकांत, उसके बाद सैयद, उसके बाद कई बच्चे है ना। जो डी आंसर लिख रहे हैं वो सही है, डी इज द राइट आंसर, नॉट ए। बच्चों एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक, आप क्या करते हो यार, जो भी आपको सबसे पहले दिखा ऑप्शन उसको टिक कर देते हो, है ना? यहाँ पे तीनों ही रीजन है ए बी एंड सी फॉर द डीके ऑफ द न्यूक्लियस। पहले ये जान ले कि न्यूक्लियस का डीके क्यों होता है ना, क्या क्या पॉसिबल रीजन है। तो उनमें से ये एन बाय जेड है ना, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का जो रेशियो है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टेबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो शुरुआत में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, n इक्वल टू जेड, ठीक है? उसके बाद जो स्टेबिलिटी है वो इस डायरेक्शन में बेंड हो जाती है, बट इफ यू हैव टू मेनी न्यूट्रॉन्स ऑल्सो, न्यूट्रॉन्स आर टू मेनी एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, दैट इज ऑल्सो हाईली अनस्टेबल। और ऑफकोर्स बहुत सारे प्रोटॉन्स अगर आपके पास हो गए न्यूट्रॉन्स के कंपेरिजन में, तो यार वो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। उस रिपल्शन को इनफैक्ट कम करने के लिए ही आपको न्यूक्लियस में ज्यादा न्यूट्रॉन्स चाहिए। ज्यादा न्यूट्रॉन्स जब न्यूक्लियस में होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, बट इट शुडेंट बी टू हाई, है ना? तो उस वजह से ए सही नहीं है, अदरवाइज ये
टू लो भी नहीं होना चाहिए, और लार्ज होने पे ऑफ कोर्स रिपल्शन यू नो भारी पड़ जाता है। तो ये उस तरह का एक और सवाल है, सॉल्व दिस इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, डी आंसर है, अभी सबको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी लोग आंसर करें, जल्दी से आंसर करें, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, बट एट द सेम टाइम बच्चों जल्दी आंसर करना है बट सही भी आंसर करना है ना। सो हाँ यार, ये एक रीजन मैं बता दूं व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी से भी ये रिक्वेस्ट है बच्चों कि आपको जितना कॉन्टैक्ट मिनिमाइज कर सकें, घर पे रह के बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हो। आपको यहाँ पे YouTube चैनल पे सारे लेक्चर्स हैं, है ना, इतनी सारी प्रैक्टिस भी मिल रही है इन क्विजेज और स्प्रिंट सेशंस के थ्रू। साथ साथ अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको एक्स्ट्रा स्पेशल क्लासेस एजुकेटर्स ले रहे हैं, स्पेशल क्लासेस आर टोटली फ्री, उसका पूरा फायदा उठाना है। तो सभी का आंसर ए ऑप्शन आ रहा है, कुछ एक दो बी दिख रहे हैं बट मुझे ज्यादातर ए दिख रहे हैं। ए इज एब्सोल्युटली राइट बच्चों, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन का कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक्चुअली ज्यादा न्यूट्रॉन क्यों चाहते हैं, न्यूक्लियस में ज्यादा न्यूट्रॉन क्यों चाहते हैं, एन बाई जेड थोड़ा सा वन से ज्यादा क्यों होता है, फॉर हैवियर न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी उस केस में हो जाती है। बट क्यों होता है वो, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन का रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर ज्यादा प्रोटॉन्स भर दोगे आप न्यूक्लियस में तो रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। उस केस में वी इंट्रोड्यूस सम न्यूट्रॉन्स एंड दैट इज बिकॉज न्यूट्रॉन्स विल नॉट एग्जर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, है ना। इनफैक्ट न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो एक वो फोर्स होगा, यू नो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स होगा, वो बचा लेगा इस न्यूक्लियस को टूटने से। एंड ऑफकोर्स कोलंबिक फोर्स, जैसे जैसे दूर जाएंगे ये प्रोटॉन प्रोटॉन जैसे दूर जाएंगे वो यू नो दोनों के बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो न्यूट्रॉन्स को इंट्रोड्यूस करना इज वन सेफ ऑप्शन, सी एंड डी आर द राइट आंसर्स। न्यूट्रॉन का अनस्टेबल होना तो बिल्कुल वाजिब नहीं है, और हैवियर देन प्रोटॉन का कोई यहाँ पे रीजन नहीं है, है ना। दिस इज नॉट रियली मेकिंग सेंस इन दिस सिनेरियो। तो स्टेबिलिटी के लिए आपको सी और डी आंसर करना था। अनदर क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर दिस राइट अवे, 10 सेकेंड्स में आंसर करो इसको। ठीक है, जनवरी 2020 का पेपर, चिला का पूरे पेपर, सारे पेपर्स हमने लाइव डिस्कस किए थे बेटा सेम डे। आप एक्चुअली देख लो हमारे चैनल पे, आपको मिल जाएंगे वो सारे पेपर्स विद सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो जल्दी से। हेलो अनुभव, हेलो अगेन, क्या इसमें सबसे पहले रमाकांत ने आंसर किया है, अभिनव, श्रीकांत, सैयद, आशीष, इन बच्चों के आंसर आ चुके हैं, धड़ाधड़ सबके आंसर आ गए हैं। बी सी और डी में कंफ्यूजन जारी, ए भी आ गया, यही बचा हुआ था। तो यहाँ पे थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए बच्चों। डी इज द राइट आंसर, डी लगाया तो प्लस फोर करना है। अल्फा डीके में अगर आपका हीलियम बाहर निकल रहा है ना, तो बेसिकली वो अल्फा डीके है, टू प्रोटॉन्स टू न्यूट्रॉन्स, है ना। और अगर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं तो यहाँ पे आपका मास फोर से कम हो जाएगा, क्योंकि मास कंजर्व होना चाहिए, इन दोनों का सम ए होना चाहिए, और ऑफ कोर्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कंजर्व होने चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, और ऊपर से ये भी पता होना चाहिए कि 90 जो आपका एटॉमिक नंबर है वो थोरियम के लिए होता है। तो दिस इज अ फेमस अल्फा डीके प्रोसेस, जिसमें यूरेनियम अपने आप को ज्यादा स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है थ्रू अल्फा डीके। सो डी वॉज द राइट आंसर। लेकिन इस तरह के जो भी आपके डीके प्रोसेसेस होते हैं उनका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। तो ये बेसिक आइडिया है कि नहीं है, जल्दी से मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू चेक कर रहा हूं। आंसर दिस इन 10 सेकेंड्स, अगेन इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, चलो नए क्वेश्चन के आंसर भी आ रहे हैं क्या? हाँ, तो वो जिसका प्लस माइनस नहीं चल रहा है प्लस माइनस करता रहे। अगेन जल्दी से हम 20 क्वेश्चन निपटा देंगे आज भी। चलो इस क्वेश्चन में भी आपको कार्बन अगर इसमें बोरॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो मास सेम है यहाँ पे, और ये बीटा प्लस पार्टिकल क्या होता है, इनकेस यू डोंट नो बीटा प्लस एमिशन, इसको हम लास्ट सेशन में भी थोड़ा बहुत कवर किए थे। तो यहाँ पे बीटा प्लस डीके मतलब पॉजिट्रॉन का एमिशन बच्चों, पॉजिट्रॉन का एमिशन प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो चार्ज कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी भी है,
है ना बच्चों, यहाँ पे पॉजिट्रॉन का एमिशन चार्ज कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी भी है, यहाँ जीरो होना चाहिए, मास इसका जीरो है एज कंपेयर टू योर प्रोटॉन, बट यहाँ पे मास और चार्ज कंजर्वेशन के अलावा मोमेंटम भी कंजर्व होता है इस रिएक्शन में, लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व होता है, एंड यू सी वन मोर पार्टिकल दैट इज नोन एज न्यूट्रीनो, तो न्यूट्रीनो को आप इस सिंबल से बताते हैं, प्रोसेस इज बीटा प्लस डीके, एंड इफ इट इज अ बीटा माइनस डीके तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, ये तो बीटा प्लस डीके में हो रहा है, आंसर इसका ए है, जिन्होंने ए लगाया है बहुत बढ़िया, याद है उन्हें, बट यहाँ पे अदरवाइज बीटा माइनस डीके होता है तो एंटी न्यूट्रिनो होता है, उसको हम यहाँ पे बार लगा के यू नो उस तरह से बताते हैं, तो ये चीज आपको बेसिकली पता होनी चाहिए, वेरियस डीके पाथवेज, है ना, अल्फा डीके कैसे हो रहा है, अल्फा पार्टिकल क्या है, हीलियम है तो उसका 4 और 2 आपको पता ही है, यहाँ पे A-4 Z-2 हो जाएगा, है ना, बीटा माइनस डीके में क्या होना है, यहाँ पे A का A रहेगा, बट क्योंकि ये बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है न्यूक्लियस से, तो यहाँ पे आपको Z+1 ताकि दोनों का सम क्या हो जाएगा Z, एंड ऑफकोर्स पॉजिट्रॉन में क्या हो रहा है, पॉजिट्रॉन में Z-1 हो रहा है यहाँ पे, लेकिन साथ साथ आपका न्यूट्रिनो यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था लेक्चर में थोरली डिटेल में, लेक्चर में डिस्कस किया था, किसी को नहीं याद है तो लेक्चर जरूर देखना बच्चों, रेडियो एक्टिविटी के तीनों लेक्चर्स बहुत ही उम्दा है, आप तीन लेक्चर्स में पूरा अच्छे से समझ भी सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन है ये भी याद होगा आपको, इट्स वेरी इजी, थोड़ा सा साउंड का इशू है आई नो, हो सकता है बेटा, बट थोड़ा सा मैनेज करो यार, हम लोग बहुत ये चाह रहे हैं कि बच्चों का नुकसान ना हो छुट्टियों की वजह से, है ना, वर्क फ्रॉम होम करके भी हम लोग अगर आपको कुछ डिलीवर कर पाए तो यू नो अगर अच्छा लगे तो यार लाइक करके शेयर भी करना, यहाँ पे एक शेयर बटन दिख रहा है आपको, है ना, स्प्रिंट लेक्चर्स जब आप यू नो पूरे लेक्चर्स देखे उसके बाद क्विक रिवीजन के लिए सफिशिएंट है बेटा, बहुत अच्छे हैं, तो नए आंसर अभी आ चुके हैं, बिल्कुल सबका सेम आंसर आते देख अच्छा लग रहा है, तो ए इज द राइट आंसर, इतने टाइम में बच्चों आपका आंसर आ जाना चाहिए, है ना, इस टाइम तक आपका आंसर बिल्कुल आ जाने चाहिए। के कैप्चर क्या प्रोसेस था, के कैप्चर इलेक्ट्रॉन कैप्चर का वो प्रोसेस है जिसमें जो न्यूक्लियस है एक इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा, है ना, न्यूक्लियस यहां पे है, के शेल, एल शेल, एम शेल, उनमें से सबसे पास में उसके साथ के शेल है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली ले लेगा और उसके इसमें वो एक और स्टेबल न्यूक्लियस बना सक रहा है अगर, तो ये प्रोसेस हो जाएगी, है ना, तो ये प्रोसेस हो जाती है यहाँ पे, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो गए हैं तो पर्पस सॉल्व हो गया है, न्यूट्रॉन्स बढ़ गए हैं तो स्टेबल बढ़ गया है ना, स्टेबिलिटी बढ़ गई है, तो यहाँ पे एक एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके न्यूट्रॉन बना रहा है, हेंस द मास इज सेम, तो आपको यहाँ पे मास सेम रखना था, और ऑफकोर्स जेड बिकम जेड माइनस वन करना था, है ना, चार्ज कंजर्वेशन लगा रहे, मास कंजर्वेशन लगा रहे, सो ए इज द आंसर, एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अलावा गामा एमिशन भी एक प्रोसेस है जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होता है, जब एक न्यूक्लियस भी एमिशन के जस्ट बाद बच्चों एक्साइटेड स्टेट को स्टार से बताते हैं, एक्साइटेड स्टेट में होता है तो वो ग्राउंड स्टेट में न्यूक्लियस आ रहा है, एटम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, न्यूक्लियस ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, उस केस में गामा रे फोटोन का एमिशन होता है, दैट इज जस्ट एनर्जी, जस्ट अ फोटोन, तो वो भी एक प्रोसेस होता है। इस क्वेश्चन को जल्दी से निपटाएं, 32nd क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जल्दी से निपटाएं, ठीक है, एंड वो हार्ट्स दिख रहे हैं जो अच्छे लग रहे हैं चैट में, चलते रहने दे, ठीक है, जो भी बच्चे 12th मूविंग है यार मैकेनिक्स कर लो एटलीस्ट, ठीक है, हेलो चेतन, तो सुमन ने आंसर किया है और सबसे पहले और सभी सबसे सही आंसर किया है सुमन सूर्यवंशी, उसके बाद मुझे अभी तक किसी का सही आंसर दिखा नहीं है, ठीक है, बट उसके बाद आर्यन, पिंटू, तो आप सही आंसर करो, आपका नाम झटके से आएगा, तो देखो यार ऑफकोर्स आपको यहाँ पे केयरफुल रहके, और आपको एक और चीज पता चल रही होगी, देखो यार यहां देखना, ए अगर आपका 180 मास का है और 72 इसका एटॉमिक नंबर है, तो आप अल्फा डीके के बाद क्या कर देंगे इसको 176, 72 को आप क्या कर देंगे 70,
क्योंकि अल्फा डीके अभी जस्ट पढ़ा हमने, मास 4 से कम होना चाहिए, चार्ज यहाँ पे 2 से कम हो जाना चाहिए। फिर बीटा डीके, यहाँ पे बीटा प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा है, बाय डिफॉल्ट वो बीटा माइनस डीके है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ है, तो क्या ये 71 हो जाएगा? बच्चों बीटा डीके याद आ रहा है आपको, ये एक से बढ़ जाएगा, z प्लस 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर ये एक से बढ़ गया है और मास क्या चेंज हुआ है उसमें, नहीं, मास नंबर सेम रहा है। फिर से अगर अल्फा का डीके हो रहा है तो दिस बिकम्स 172 एंड दिस अगेन बिकम्स 69 बिकॉज माइनस 2, एंड गामा में कुछ चेंज नहीं होता है, तो 172 69 30 सेकेंड में निकालना था, मैंने आपको इनफ टाइम दिया, आई होप सभी का अभी आ रहा है, यस ये आ रहा है सबका, और A4 का ये जैसे आपने निकाला है। तो एक और चीज मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे स्क्रीन पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अभी भी अगर आप पेन पेपर के साथ कहीं पे जाके प्रैक्टिस करते हो, तो बच्चों स्क्रीन पे प्रैक्टिस करना सीख लो, आपको आई एम श्योर इस तरह से लिखने का मौका नहीं मिला होगा जैसे मैंने लिखा है ना, लेकिन आपको पता ही है कि स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा मेन में एडवांस में, और आपको वहां से एक रफ पेपर पे लिखना पड़ेगा पहले A1 A2 A3 A4, और वो भी एक एक्सपीरियंस है जो कि आप ऐसे इस तरह से पढ़ाई अगर करते हैं तो आपको मिल सकता है। तो जल्दी से आ जाते हैं, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है ना, रदरफोर्ड और सॉडी ने ये लॉ दिया था, रेडियो एक्टिव डीके का लॉ क्या है यार, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जितना रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो जितने प्रेजेंट न्यूक्लियाई है उन पे डिपेंड कर रहा है, एंड माइनस साइन बिकॉज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। तो dN by dt यहाँ पे माइनस लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे हम डी के कॉन्स्टेंट भी बोलते थे, और ये आपके पास रूल निकल के आता था, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ डी के होंगे, दे स्टार्टेड विद सम एन नॉट बट टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डी के होंगे, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये एन नॉट बाई टू भी हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन करना जल्दी से, आते हैं कुछ रेडियो एक्टिविटी के लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस पे। ठीक है जी, वी हैव सम पीपल फ्रॉम बांग्लादेश ऑल्सो वॉचिंग अस, कीप वॉचिंग, कीप स्प्रेडिंग द लव बेटा। ठीक है, चलो इसके आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। ओके, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में टाइम लगेगा इसलिए मैं दे रहा हूं, बट एक मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए, एक मिनट के अंदर बेटा आंसर आ जाएगा आपका, आंसर्स आ चुके हैं इनफैक्ट, रमाकांत का आया है, मोहित का आया है, भावना का आया है, मानस का आया है, ओके, एंड आई फील, चलो लेट्स सॉल्व इट, हाँ मे बी यू गाइज आर ऑल सॉल्विंग दिस, विल सॉल्व इट टू, क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल रिड्यूसेस बाय 10% का बेटा मतलब क्या होता है कि यार एन नॉट था तो वो एन नॉट 9/10 टाइम्स एन नॉट हो जाता है ना, तो इन 5 डेज अगर ये हो रहा है तो आप क्या इक्वेशन लिखेंगे, 9 n0 by 10 इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैमडा इन टू 5, एक इक्वेशन ये होगी। फिर आप दूसरी इक्वेशन जब 20% से 20 डेज में सॉरी ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है तो वो क्या लिखेंगे, तो लेट्स राइट दैट n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैमडा इन टू 20, ठीक है, बट यहाँ पे ई टू द पावर माइनस इस चीज को लैमडा इन टू 5 इन टू 4 भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है बच्चे, और ये चीज आपकी, ये वाली चीज आपकी क्या हो गई है, दिस एंटायर थिंग इज डेफिनेटली, या फिर आप अगर इसमें एन बाय एन नॉट ही निकालना था, आपको फ्रैक्शन ही निकालना था, तो वो आप ई टू द पावर माइनस लैमडा इन टू 5 टू द पावर 4 कर सकते हैं, विच वॉज 9/10 है ना, एन बाय एन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 9/10 टू द पावर 4 करेंगे तो यार 81 into 81 65 के आसपास आना चाहिए, सी वॉज द राइट आंसर। बहुत कम बच्चों ने सी लिखा है, और जिन्होंने भी सी निकाला है, संकेत ने, ओहो सिंचन नोहारा ने, वायर नाम अच्छा है आपका, भावना पांडे ने, और इन बच्चों ने, कुछ ही बच्चों ने, तापसी ने सी लिखा था, और सी वॉज द राइट आंसर बच्चों। तो डू दीज, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इन्हें भी बहुत ध्यान से करें, 10% से रिड्यूस हो जाता है, एक इक्वेशन लिखी 5 दिनों में, फिर 20 दिन की इक्वेशन लिखी, फिर ये चीज क्या है ना, ये चीज क्या है, ये आपकी 9/10 टू द पावर 4 हो जाएगी, सो सी वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन अगेन, जल्दी से करना।
10 second क्वेश्चन, 10-15 second क्वेश्चन है, ठीक है, ओके अंकित बेटा, हम बहुत अच्छा एक रैंक बूस्टर कोर्स कर रहे हैं जो कि 11th के बच्चों को भी पूरा सिलेबस रिवाइज करवा रहा है, तो वो एक कोर्स ऐसा है, मैं बता दूं यहाँ पे सभी को, 2020 एस्पिरेंट्स को भी, रैंक बूस्टर कोर्स को बच्चों ने 1.5 महीने फॉलो किया, प्रीमियम से प्रीमियम इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज वो बच्चा दे रहा है, उसके मार्क्स डबल हो रहे हैं, जो उसके जनवरी अटेम्प्ट में आ रहे थे, जो उसके ऑल इंडिया लेवल AITS में आ रहे थे, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में आ रहे थे, वो मार्क्स डबल हो रहे हैं। 100 लाने वाला बच्चा 200 ला रहा है, 150 लाने वाला बच्चा 225 ऊपर ला रहा है, कैसे, सिर्फ 1.5 महीना रैंक बूस्टर कोर्स उसने फॉलो किया है, इस तरह का इंप्रूवमेंट, बिकॉज वी आर टेकिंग दोज कोर्सेज वेरी सीरियसली बच्चों, आप उसको मिस आउट नहीं करें, उसके कई स्पेशल क्लासेस मैंने यू नो फ्री में लिए हैं, तो वो भी चेकआउट करना आप लोग। हाफ लाइफ हिस्ट्री है ना, ये अगर यहां से यहां पे हो गया है और ये जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, दैट हैज टू बी N0/2, बच्चों ये N है और ये N0/2 होना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो कौन सा टाइम होगा, दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ हाफ लाइफ इज। हाफ लाइफ पे आते हैं, हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई टू बिकम 50% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, है ना, N0/2 होने के लिए एक हाफ लाइफ लगता है, टी लगता है, और वो हम इसी इक्वेशन से निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला आता है आपके पास, ln2 डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा बीइंग द डीके कांस्टेंट, तो ये बात आपको याद ही है ऑफ कोर्स, तो ये क्वेश्चन भी जल्दी से बताओ। 20 second क्वेश्चन अगेन, ट्वेल्थ के नए बैचेस अप्रैल में चालू होंगे भाई, अभी उससे पहले 11th का रिवीजन चल रहा है तो वो कर लेना, ठीक है, जल्दी से आंसर करो। इफ दिस इज हीटेड टू 10,000 केल्विन्स, तो हाफ लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी, 20 डेज का क्या हो जाएगा, दैट बीइंग द क्वेश्चन ऑफ द डे। तो भावना ने एक्साइटमेंट में गलत लिखा है, सबसे पहले लिखा है बट गलत लिखा है, आशीष कश्यप का सबसे पहले और सबसे सही है, ठीक है, और शुरुआत में बहुत सारे बीसी भी दिखे मुझे, बट डी इज द राइट आंसर बेटा, डी इज द राइट आंसर राइट नाउ, बिकॉज इट डज नॉट मैटर कि आप टेम्परेचर क्या रखते हैं, प्रेशर क्या रखते हैं, इन फैक्टर्स पे, इन फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, हाफ लाइफ या रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस न्यूक्लियस पे बेस्ड होता है, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करती है, और ये बात अपने दिमाग में ध्यान रखें, इस तरह का क्वेश्चन या और भी अलग टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो कभी भी चेंज नहीं होगा, आप टेम्परेचर सन पे क्या है और अर्थ पे क्या है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाफ लाइफ विल रिमेन सेम, है ना, इट्स यूनिवर्सल थिंग, तो बहुत अच्छी बात है, ये सेम रहती है हाफ लाइफ। फिर एक और कंसेप्ट हम करते थे, फ्रैक्शंस ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, एक हाफ लाइफ के बाद आधा हो जाता है, एक और हाफ लाइफ के बाद 1/4 हो जाता है, समझ रहे हो, एक और, ये बात आपको पता है कि नहीं, तो ये ग्राफ पे भी आप कैसे देखते हो, एक हाफ लाइफ, दूसरे हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितना हो गया, n0 by 8, सो यू कैन राइट दिस n0 by 2 to the power n, है ना, n हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट और द फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, है ना, 1/2 to the power n, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 to the power n, तो ये फंडा भी तुम्हें पता है, ये क्वेश्चन जल्दी से निपटाओ, इस क्वेश्चन को जल्दी से निपटाते हैं। हाँ हेलो संयम, आई ऑफकोर्स ये बच्चा मेरी हर क्लास में आ रहा है, हाउ कैन आई फॉरगेट यू, एंड संयम शेयर योर स्टोरी नो विथ एवरी वन हु इज हियर, उनको अपनी स्टोरी बताओ, कैसे तुमने 2 महीने बहुत अच्छे से इमर्ज बैच रैंक बूस्टर फॉलो करके कितना इंप्रूव किया, बताओ चलो सबको यहाँ पे। संयम शर्मा बहुत मेहनती बच्चा है, मैं भी ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन मेन में ऐसे लेवल के, और इस हाँ बेटा बिल्कुल आ सकते हैं। देखो एक बात आयुष मैं बता दूं, हमेशा ट्रिकी क्वेश्चन करना इज ऑल्सो नॉट फ्रूटफुल, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चन अगर हम करते रहे, और आपको याद होगा मेन से पहले दिसंबर में भी मैंने आपको यही राय दी थी, एडवांस के लिए अलग अप्रोच हो सकती है, बट एज मेन इज अप्रोचिंग, आपको एक इक्वल मतलब
ट्रिकी भी करने चाहिए, सिंपल भी करने चाहिए, मीडियम लेवल के भी करने चाहिए. यू शुड हैव अ गुड मिक्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. और बिल्कुल आते हैं मेन में, क्या एडवांस में भी बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं. मैं कई बार आपको इसी प्लेटफॉर्म पे बता चुका हूं. तो यार डीकेज इन 6 days इट बिकम्स 7/8 फ्रैक्शन ऑफ द एटम्स दैट डीकेज. वेरी इंपॉर्टेंट वॉज डीकेज पार्ट. तो अगर वो 7/8 डीके हो गया है ना, एन नॉट में से 7/8 तो डीके हो गया है बेटा, कितना बचा हुआ है, कितना बच गया है, एन नॉट बाय 8, यानी कि एन नॉट बाय 2^3, यानी कि 3 half-lives मस्ट बी इक्वल टू 6 days. तो यहाँ पे आपको हाफ लाइफ पता चल गई है पहले स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे. उसके बाद 10 दिन में कितनी होगी, तो 10 डेज इज एक्चुअली 5 half-lives. और मैंने सारे हिंट दे दिया. तो यहाँ पे जिन भी बच्चों ने सी आंसर लिखा है, कुछ के नाम मैं पढ़ देता हूँ. दुष्यंत, कई बच्चे ए लिख रहे हैं, ए नहीं है भाई. संकेत, भावना, आशीष, ये कुछ बच्चे हैं. ए तो बहुत बच्चों ने लिखा है, ए गलत है भाई, पता नहीं ए कैसे आ रहा है आपका. बट दिस इज हाउ 5 half-lives मतलब एन नॉट बाय 2^5 विच इज एन नॉट बाय 32. 32 हो गया मतलब कितने गए, कितने निपट गए हैं, इतने न्यूक्लियर निपट गए हैं. और यार आप भी इस तरह की भी, आई नो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ यू हैव नॉट बीन एबल टू आंसर दिस. सो रियलाइज दिस, आधी जनता क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस करती नहीं है, उनको नहीं आते हैं. जो बच्चे जेई लाइव डेली पे नहीं देख रहे हैं शुरू से, उनको नहीं आएंगे, लेकिन आप लोग देख रहे हैं तो आप फायदा उठाओ बेटा, है ना. लेक्चर्स, स्प्रिंट, क्विजेस, हर चीज देखो, फायदा उठाओ. सब मटेरियल यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है. एंड बी थैंकफुल टू गॉड, बी थैंकफुल टू अनअकैडमी, यू नो टीम, एंटायर टीम, जो कि इतनी मेहनत करके, मैं तो फिर भी एजुकेटर हूँ बच्चों, इतने लोग इसके पीछे इतनी मेहनत करते हैं, तो लेट्स बी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम, है ना. चलिए नया सवाल, एक्सपेक्टिंग द आंसर्स वेरी सून. एंड मुझे लगता है यार बच्चे ने आंसर दे भी दिया है इसका. सी इतने फास्ट है कुछ बच्चे अपने, उन्होंने आंसर दे भी दिया है. आई कॉल आउट द नेम ऑफ दोज हु हैव आंसर्ड राइट, ठीक है. इस क्वेश्चन को मे बी आधा मिनट लग सकता है, टेक योर टाइम. ओके, नो राइट आंसर सो फार, ठीक है. कुछ बच्चे ऊपर वाले का आंसर देख के कॉपी पेस्ट करते हैं. बच्चों ये तो चीटिंग हुई, इससे और गलती होगा, मत करो ये चीजें. दो बच्चों ने अभी तक सही आंसर किया है, दोज आर तापसी एंड संकेत, एंड नाउ आशीष, एंड नाउ सोनाली. कुछ बच्चों ने यहाँ पे टाइम लिया बट अब सही कर रहे हैं वो, दैट इज द राइट स्ट्रेटजी. देखो आपका आंसर अगर डी नहीं है तो आप -1 कर दें, अगर आपने डी बोला है तो +4 कर दें. बच्चों हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल अगर दे ही रखा है डायरेक्टली, 20% ऑफ द फ्रैक्शन रिमेन्स एक्टिव, मतलब एन नॉट बाय 5 हो गया है इन कितना टाइम, e^-λT. ये एक इक्वेशन आप लिखोगे. फिर 10% ऑफ द फ्रैक्शन विल बी एक्टिव आफ्टर वॉट टाइम, तो उसमें भी इक्वेशन लिखनी है, 10% कब हो जाएगा, है ना. तो यहां पे आप एन नॉट e^-λT निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं. टी डैश निकालने के लिए इक्वेशन 2/1 कर देते हैं, या बहुत अच्छा 1/2 कर रहा हूं मैं. यहां देखना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे आपका 1 equation/2 अगर हम करते हैं तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, 2. n0 कैंसिल, e^ ये चीज पॉजिटिव, टी डैश माइनस ये चीज नेगेटिव में ही थी, तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी. ln2 आप लिख पाएंगे, लॉग ले लो दोनों तरफ, और t-t, है ना. तो यहां पे आपने t- को क्या, ln2/λT लिखना, यहां तक लेके आए, अगर नहीं लेके आ रहे हो तो लेके आओ. एंड ऑफकोर्स ln2/T हाफ लाइफ का फॉर्मूला है, हमने यहाँ पे जस्ट देखा था अभी थोड़ी देर पहले. ln2/λ इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ, एंड दैट इज 8, हेंस 8+T इज योर आंसर. वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन, बट वही बात है, एक मिनट के अंदर बनना चाहिए. तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, केयरफुली करो बच्चों इस पॉइंट पे, क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली करो, आराम से सॉल्व करो, तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है.
एक ही बार आंसर करो बट एक्यूरेट एक्यूरेट आंसर करो. उत्पल ड्रॉप लेकर बढ़ तो नहीं जाते, मैं तो नहीं बोलता, इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है बच्चे, आप जितना हो सके ट्वेल्थ के साथ निकालो. ठीक है, हो सकता है आपका ट्वेल्थ के साथ बढ़िया एक मोमेंटम में निकल जाए बोर्ड भी और ड्रॉपर, है ना, मतलब आपका जेई भी और ड्रॉपर. अगर आप ड्रॉप लेते हो बेटा तो वही बात हो गई कि आप एक और साल का एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, रिस्क है ना. बेसिकली कोई भी बैट्समैन हो, सचिन तेंदुलकर भी होता है अगर, तो वो क्या हर बॉल पे छक्का मार सकता है? एक बॉल पे छक्का नहीं मार पा रहा है तो क्या वो अगली बॉल पे छक्का मार ही देगा? है ना, टैलेंट तो सब में होता है देखो, है ना, और मिस्टर तेंदुलकर में सबसे ज़्यादा टैलेंट है, बट क्या गारंटी कि अगली गेंद पे वो छक्का मार ही देंगे? ठीक है, सो इसके आंसर आ चुके हैं. मैं वेरीफाई कर देता हूँ, भावना का, संकेत का. ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो सी आंसर लिख रहे हैं वो गलत है भाई. सी इज नॉट द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर. लेट्स फिगर आउट हाउ. इफ द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट एल्फा एंड बीटा डीके दोनों हो रहा है, तो ये एक बच्चों साइमल्टेनियस डीके का क्वेश्चन हुआ. एन नॉट इनिशियली न्यूक्लियाई थे तो उसमें एल्फा और बीटा दोनों का अगर एमिशन हो रहा है, तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग डीके कॉन्स्टेंट लैमडा वन है, इसके करस्पॉन्डिंग डीके कॉन्स्टेंट लैमडा टू है, तो आप क्या लिखोगे थोड़ी देर बाद? एन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैमडा वन प्लस लैमडा टू इंटू टी कर देंगे. ये मैं डायरेक्टली कैसे लिख पा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के साइमल्टेनियस वाले यू नो बहुत सारे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हुए हैं. तो आपको बेसिकली रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है ना, आप क्या बोलते थे, माइनस लैमडा एन के प्रोपोर्शनल है, माइनस लैमडा एन के इक्वल है. तो अगर दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है, साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, तो दोनों के आप दोनों प्रोसेस आप कंबाइन करके क्या लिख देंगे, लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू इंटू एन, है ना, एंड दैट विल ट्रांसफॉर्म इंटू दिस इक्वेशन. सो आफ्टर 12 ईयर्स कितने परसेंटेज निकालने जो कि एक्टिव रहेंगे, तो यहाँ पे आपको ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान देना, एल्फा के हिसाब से लैम्डा वन क्या हो जाएगा, एल एन टू बाई फोर ईयर्स, बीटा के हिसाब से एल एन टू बाई ट्वेल्व ईयर्स, एंड टाइम इज 12 ईयर्स में ही पूछा है क्वेश्चन में. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एल एन टू कॉमन वन बाय फोर, और ये ऊपर न्यूमरेटर में थ्री प्लस वन फोर आ जाता है, तो फोर जो आ रहा है आपका टू टू द पावर फोर में ट्रांसफर हो जाएगा, तो वन बाय टू टू द पावर फोर इज एक्चुअली वन सिक्सटीन, एंड हंड्रेड बाय सिक्सटीन कितना होता है, 6.25. सो ए वॉज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कुछ बच्चों ने थोड़ा लेट समझा बट कोई दिक्कत नहीं बेटा, अब समझ में आ गया. नवीन आपको अब तो समझ में आ गया ना, बहुत अच्छी बात है. इसको फटाफट करो, इसको 10 सेकेंड लगने चाहिए आंसर करने में. 10 सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, फटाफट. ओके ओके, आवाज का बेस ज्यादा है यार, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा. किसी तरह हम लेक्चर ले पा रहे हैं तो ले रहे हैं बेटा, लेकिन आपकी पढ़ाई निरंतर चलती रहनी चाहिए इसी सोच के साथ. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वन एवरेज लाइफ इन टर्म्स ऑफ हाफ द एक्टिव न्यूक्लियर डीके होते हैं या मोर होते हैं, ये सबका सही आ रहा है. बहुत बढ़िया, सबसे पहले लिखा है आशमा ने, उसके बाद संजीव ने, संकेत ने, रमाकांत ने, सभी ने सही लिखा है. सी इज द राइट आंसर. वाई सी द राइट आंसर, क्योंकि एवरेज या मीन लाइफ अलग कंसेप्ट है बेटा, है ना. आपका हाफ लाइफ में तो एग्जैक्टली हाफ हो जाते हैं, बट एवरेज लाइफ कितना होता है, वन एवरेज लाइफ इज 1.44 टाइम्स हाफ लाइफ, क्योंकि एवरेज लाइफ इज 1 बाय लैम्डा, दिस इज द डेफिनेशन, एवरेज लाइफ इज 1 बाय लैम्डा. तो उस केस में इसको हमने है ना लेक्चर में भी कवर किया, अच्छे से देखना वहां पे. तो उसमें यहाँ पे 37% रह जाते हैं, मतलब मोर देन हाफ उड़ जाते हैं, तो क्वेश्चन में मोर देन हाफ यू नो हो जाते हैं डीके, ये पूछा था. तो सी वॉज द राइट आंसर, परफेक्ट. प्लस फोर करना सी के बाद, और ये जल्दी से निकाल दो, ये क्वेश्चन भी जल्दी से निकाल दो.
लेट पता चला, सो आई एम थिंकिंग ऑफ अ ड्रॉप. कोई दिक्कत नहीं है उत्पल, अपने एंड पे अच्छे से मेहनत करो बच्चे, ठीक है? लेकिन सब कुछ फॉलो करो, बहुत फायदा होगा, मजा आ जाएगा. हर एक लेक्चर, हर एक क्विज सब फॉलो करना है. चलो जी, इसका आंसर कौन सबसे पहले सही निकालता है ना? A1 A2 आर व्हाट? एक्टिविटीज. सो एक्टिविटीज का आइडिया आपको थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है? जिसको नहीं पता, यहां पे देखो, द डीके रेट एक्चुअली एक्टिविटी को ए और आर दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ बुक्स में ए है, कुछ बुक्स में आर है, कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका फिर भी आ जाएगा. तो वो जो dN by dt की हम बात कर रहे थे, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन की जो हम बात कर रहे हैं, वो लैम्डा एन यानी कि आर हो जाएगा. एक्टिविटी को आप ऐसे लिख सकते हैं. और इनिशियल एक्टिविटी बच्चों t इक्वल टू जीरो पे n की वैल्यू n नॉट है, t इक्वल टू जीरो पे n की वैल्यू n नॉट है. तो वो अगर आप n की वैल्यू ये लिख देते हो तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, जिसमें आप r इज इक्वल टू आर नॉट या a इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी एक्टिविटी लिख सकते हैं. तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन की a1 इज द एक्टिविटी एट t1 टाइम, a2 इज द एक्टिविटी एट t2 टाइम. तो दोनों इक्वेशन लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स होती है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं होता, वो भी बहुत सिंपल होती है. तो अगर आपको मीन लाइफ के साथ रिलेशन निकालना, मीन लाइफ अभी जस्ट हमने किया 1/λ वाला, तो कैसे निकालोगे आप? यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर दो. a2 by a1 is coming what exactly? So that is coming e to the power, क्योंकि ये डिवाइड कर रहे हो आप लैम्डा t1 माइनस t2, है ना? तो वो e to the power लैम्डा वाली चीज को आप क्या लिख सकते हो? t1 माइनस t2 डिवाइडेड बाय कैपिटल t. कैपिटल t क्या चीज है? आपकी मीन लाइफ, एवरेज लाइफ, ठीक है? ln2 वाली नहीं, हाफ लाइफ की बात नहीं कर रहे. सो a2 इक्वल टू ये, c वॉज द राइट आंसर. c लिखा है यार कई बच्चों ने, बट आगे बढ़ जाते हैं. आप अपने एंड पे +4 करते रहे. हाँ बच्चों, यस, बहुत से बच्चों ने, अर्चित, चंद्रदीप, अजहक, आशीष, शोएब, बहुत से बच्चों ने सी लिखा था. वेरी गुड. सैंपल्स ऑफ टू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर एक्स एंड वाई ईच हैविंग एक्टिविटी ए नॉट एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड हाफ लाइफ दोनों के दे रखे हैं. तो जल्दी से निकालो टोटल एक्टिविटी क्या होगी 48 इयर्स के बाद, फटाफट. ओके, क्या हो जाएगा आंसर? चलो आंसर्स आ रहे हैं. अगेन कुछ बच्चे सी लिख रहे हैं, बट आई थिंक एंड आई नो दैट डी इज द राइट आंसर. आशमा ने लिखा है डी, उसके बाद मुझे कोई दिख नहीं रहा है. सभी लोग सी क्यों लिख रहे हैं बच्चों? कैलकुलेशन परफेक्ट होनी चाहिए. 90% जनता मुझे सी लिखती हुई दिखाई दे रही है. डी इज द राइट आंसर आर्यन ने भी लिखा है, दो बच्चों ने मुझे देखे हैं जो, बाकी सब सी लिख रहे हैं. या देखो भाई कैसे करना है आपको, अगर टू रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स एक्स एंड वाई ईच हैविंग एक्टिविटी ए नॉट एट टाइम, तो ए एक्टिविटी ऑफ एक्स क्या हो जाएगी? ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, है ना जी? एक्टिविटी इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है. वाई की भी एक्टिविटी आप ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू अब अलग अलग है दोनों के लिए, है ना? लैम्डा की वैल्यूज दोनों के लिए अलग अलग है. सो ए नॉट ई टू द पावर मैं लिखूंगा इसको ln2 डिवाइडेड बाय 24 ईयर्स, है ना? और 48 ईयर्स में आपको पूछा है. एक इक्वेशन ये हो गई, और ए वाई हो गई आपकी ए नॉट ई टू द पावर माइनस ln2 डिवाइडेड बाय, फिंगर टिप्स पे रखो इन बच्चों फॉर्मूलों को, इन फंडों को आप थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी. बहुत लिटरली एक एक स्टेप में बच्चों के आंसर आते हैं, इतना फास्ट हो जाओ, लिटरली इतना फास्ट हो जाओ. यहाँ पे जो बच्चे पोल फीचर यूज करते हैं प्लस पे, उनको पता है कि डेढ़ डेढ़ सेकेंड में आंसर आते हैं. टोटल एक्टिविटी ए एक्स प्लस ए वाई इज हाउ मच? सो ए नॉट इंटू ये पूरा कचरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो ये 2 हो रहा है, 2 टू द पावर 2 माइनस में है, तो ये डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा. और ये यहाँ पे 3 हो रहा है, मतलब 2 टू द पावर 3 1/8 हो जाएगा. तो ए नॉट बाय 4 प्लस ए नॉट बाय 8 इज 3/8 एक्चुअली. डी वॉज द राइट आंसर.
बहुत सारे बच्चों ने डी लिखा था उसके बाद, बहुत ही बढ़िया। इस पे आ जाते हैं, जल्दी से आ जाओ एक और क्वेश्चन पे। ओके यस, हर्ष ने लिखा था, ऋषभ ने भी लिखा था, बढ़िया भाई। आसमान ने लिखा था, सिंचन नाम से बच्चा, लोकेश ने भी लिखा था, सर्वज्ञ, फिर काफी बच्चों के आ गए थे, बढ़िया। सुमित्रा tinyurl.com/jeemobile पे जाके रेडियो एक्टिविटी देखो बेटा, 3 लेक्चर कर दिए थे हमने उसके, बहुत अच्छे से उनको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ अभी तो 1 घंटे में, तो आप रिवाइज कर लो। एंड टी इक्वल टू जीरो पे सम रेडियो एक्टिव गैस इज इंजेक्टेड, है ना, एंड आफ्टर टाइम टी सम मोर ऑफ इट इज इंजेक्टेड, है ना। तो टी टाइम तक ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कौन सा है यहाँ पे बच्चों, ग्राफ वाले क्वेश्चन की आदत होनी चाहिए आपको। ग्राफ यहाँ पे कौन से है, एक्टिविटी का लॉग, है ना, विथ टाइम। तो एक्टिविटी अगर ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी है, तो आप लॉग ले लोगे उसका तो क्या बन जाएगा, एल एन ए नॉट माइनस लैम्डा टी, है ना, मल्टीप्लाई करके आप इनको एल एन ए प्लस एल एन बी फॉर्म में लिख रहे हैं, और ये आपको एक स्ट्रेट लाइन देता है विथ नेगेटिव स्लोप। ये पूरी चीज क्या हो रही है, एक स्ट्रेट लाइन है विथ अ नेगेटिव स्लोप, है ना, नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप वाली ये लाइन दिख रही है, बट सडनली आफ्टर इंजेक्टिंग फिर से डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा। आफ्टर इंजेक्टिंग, इफ यू आर इंजेक्टिंग, यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द एक्टिविटी, एक्टिविटी को आपने इंक्रीज करके सपोज डबल कर दिया मे बी, है ना, वट एवर इट इज, ओरिजिनल एक्टिविटी पे ले आए, तो आपका एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। बट अगर ये आपने चेंज कर दिया तो वो इंटरसेप्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी वाई एक्सिस पे, और स्लोप विल स्टिल रिमेन सेम, वोंट द स्लोप रिमेन सेम बच्चों। तो स्लोप अलग अलग भी दे सकते थे, बट बी यहाँ पे ये सिंपल था, ये बिल्कुल नहीं होगा। कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे तो ये बिल्कुल नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल नहीं होगा क्योंकि लॉगरिथमिक ग्राफ है। ज्यादातर बच्चों का बी आया तो बहुत ही बढ़िया। ये एक और क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी भी बताया था आपको, एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पे भी कर लेते हैं। सभी का बी आया है, क्या बात है, बहुत ही उम्दा, बहुत बढ़िया। ओके चलिए, सर्टेन रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड, और ये मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में मैथ्स में आपने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस किए आई नो, बट यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है कि अगर हाफ लाइफ 5 ईयर्स है तो 10 ईयर्स के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। नाउ दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल अलग चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके अलग चीज है बच्चों, है ना। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस टू सर्वाइव मतलब कि कितने सर्वाइविंग न्यूक्लियस है और कितने इनिशियली टोटल न्यूक्लियस थे, है ना, एन बाय एन नॉट क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। और उसी सर्वाइवल की अगर प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी के क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, या फिर आप क्या एक सिंपल सी लैंग्वेज है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियर डीकेड, जितने डीके ज्यादा हो गए हैं डीके की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा हो गई है बाय ओरिजिनल। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीकेड बाय ओरिजिनल अगर मैं करता हूं, और 10 साल में देखो हाफ लाइफ 5 साल में तो आधे हो जाएंगे, 10 साल में कितने हो जाएंगे, कितने डीके हो गए, एन नॉट थे बट एन नॉट बाय 4 हो गए हैं अभी करंटली, 2 to the power 2 कर रहा हूं मैं, 10 ईयर्स 2 half-lives की बात कर रहे हैं हम, तो ये चीज क्या हो जाएगी आपकी, 1 minus 1/4 3/4 75% प्रिसाइसली राइट, वेरी गुड, बी आंसर लाने वालों, +4 आपके हवाले। ये कुछ फिशन के क्वेश्चंस पे मैं आ रहा हूँ, फिशन के भी कुछ क्वेश्चंस, फ्यूजन फिशन भी बताया था आपको, ठीक है। तो ये लास्ट फेज है, 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन शायद और हैं, जल्दी से करें इन्हें। बहुत बढ़िया, हाँ जी डोरेमोन, थैंक यू सो मच, नाम तूने डोरेमोन लिखा है, अपना ओरिजिनल नेम लिखो। हम कई बार अपने यूट्यूब के बच्चों को फर्स्ट
लास्ट नेम बेसिस पे जान जाते हैं, वो इतना फ्रीक्वेंटली आते हैं कि हम उन्हें जान जाते हैं, तो बेटा अपना ओरिजिनल नाम रखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिंचा एंड डोरेमोन दिख रहे हैं मुझे बस ज़्यादातर। नए क्वेश्चन के भी आंसर आ गए क्या? नए क्वेश्चन के भी भर भर के आंसर आ गए। आसमा ने सबसे पहले लिखा था, तापसी ने लिखा था, रमाकांत ने लिखा था फिर, ठीक है, ये बच्चों ने जो आंसर लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। सी इज द राइट आंसर बिकॉज दिस इज अ वेरी फेमस रिएक्शन, और लास्ट लेक्चर में भी हम इसको रिवाइज कर ही रहे थे, आपको याद होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से आप कैसे किसी भी रिएक्शन का एनर्जी रिलीज या क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्यू वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। क्यू वैल्यू के लिए आप बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि 8.5 इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेम है इन दोनों में, 117 है, और ऐसे दो न्यूक्लियस है प्रोडक्ट्स में, तो दो से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, तो ये तो पर न्यूक्लियन है, समझ रहे हो, 7.6 पर न्यूक्लियन के लिए है, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस रिएक्टेंट्स में कितने हैं, 236। तो दिस कैलकुलेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 200 MeV, इट्स एक्चुअली वेरी स्टैंडर्ड वैल्यू। यूरेनियम 236 के डिसइंटीग्रेशन में, 235 के डिसइंटीग्रेशन की भी अगर हम बात करें, जो कि ऐसे न्यूट्रॉन को एक्सेप्ट करके 236 बन जाता है, हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस है, बेरियम क्रिप्टम प्रोडक्ट बनते हैं, तीन और न्यूट्रॉन निकलते हैं, और जो एनर्जी ऑफ द रिएक्शन होती है वो करीब करीब हर यूरेनियम के डिसइंटीग्रेशन में 200 MeV पर रिएक्शन या 0.8 MeV पर न्यूक्लियन होती है। यहाँ पे करीब 200 न्यूक्लियंस थे, ठीक है, तो पर न्यूक्लियन कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाय 236, 0.8 आ जाता है। इस वैल्यू को भी ध्यान में रखेंगे तो काम हो जाएगा, मे भी किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ ले। सो लेट्स कम टू सम क्वेश्चंस अबाउट फिशन, है ना, फिशन का रिएक्टर, उन सब पे बेस्ड कुछ अच्छे हमने लेक्चर 3 में डिस्कशंस किए थे, सो लेट्स डू दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये एक और क्वेश्चन है, 195 समथिंग आता है, वेरी गुड सिद्धार्थ, कीप इट अप। हाँ यार, ये देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज आई एम टेकिंग अ लेक्चर लाइक दिस मुझे कोरोना है। कई बच्चों ने तो मतलब यही मान लिया था पिछले लेक्चर में कि मुझे भी कोरोना ही हो गया। बच्चों सेफ्टी है ना, प्रिकॉशन जितना रखोगे नहीं फैलेगा। तो अभी आप सभी लोगों से ये उम्मीद है, आप लोग भी घर पे बैठेंगे, बिल्कुल सोशल कॉन्टैक्ट बंद कर देंगे, बहुत बहुत जरूरी है तो ही आप ट्रैवल करें, घर से बाहर भी नहीं निकले, और घर बैठे आपको आपकी हेल्प के लिए अनअकैडमी इस यूट्यूब चैनल पे, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं हम लोग, सो उनको फॉलो करते रहे बच्चों, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। बी आंसर जीपी में होता है, बहुत बेहतरीन, बहुत सिंपल है ना क्वेश्चन है, चेन रिएक्शंस कैसे प्रोसीड करते हैं, जिस तरह से वायरल फीवर अभी जो कोरोना फैल रहा है वो भी एक चेन रिएक्शन है बच्चों। अगर यहाँ पे न्यूक्लियस की जगह एक इंसान है जो दो और इंसानों को इन्फेक्ट कर सकता है, वो दो और दो दो को है ना अगर करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 से 2, 2 से 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब, मतलब ये जीपी बन जाएगा। तो उसी चीज को आपको कंट्रोल करना है, और आप अगर एक जगह पे बंद रहेंगे है ना, मतलब अपना लाइफ चलते रहना चाहिए, पढ़ाई चलते रहना चाहिए बच्चों, बट यार थोड़ी सी प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है। तो अपेरेंटली वो क्वेश्चन अपनी सिचुएशन से मेल खाता हुआ, चेन रिएक्शन को रोकना है, ठीक है बच्चों, लेट्स फाइट अगेंस्ट दिस। एंड अनदर क्वेश्चन, श्वेता, संगेज इज स्लाइटली बेटर बिकॉज इट्स अ लेटर पब्लिकेशन, संगेज आप एचसी वर्मा के बाद लगाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा, गलतियां थोड़ी बहुत दोनों में हैं बट चलेगा, ठीक है। और हम तो भैया बहुत सारी क्लासेस ले रहे हैं प्लस पे, अच्छे से बच्चों के डाउट क्लियरिंग सब, पूरा पढ़ाई पूरा फुल ऑन चालू है, पूरी केयरफुलनेस भी है। एंड द एटॉमिक रिएक्टर्स में कैडमियम रॉड्स का क्या रोल होता है, तो ये भी हमने डिस्कस किया था, पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर की एक बेसिक वर्किंग आपको पता होनी चाहिए, जिसमें जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं, जिनको बेसिकली अगर आपने इन है ना अंदर इंसर्ट कर दिया तो ये देखो रिएक्टर रुक गया है ना, क्लियर विजुअलाइजेशन, रिएक्टर रुक चुका है और निकाल दिया तो रिएक्टर चल पड़ेगा। सो बेसिकली दे आर एज देयर नेम सजेस्ट हियर टू कंट्रोल द रिएक्शन, कंट्रोल द चेन रिएक्शन विच इज गोइंग ऑन। आप भी अगर यहाँ पे घर में बंद हो जाएंगे तो चेन रिएक्शन बंद हो जाएगी, एंड यहाँ पे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर देता है। तो आप लोग डी लिख रहे हैं, बिल्कुल सही है, डी इज द राइट आंसर बच्चों।
स्लोज डाउन न्यूट्रॉन जो बच्चे लिख रहे हैं वो गलत है, क्योंकि स्लो डाउन कौन करता है? मॉडरेटर करता है। स्लोइंग डाउन का काम होता है मॉडरेटर का, है ना, वो ग्रेफाइट हो सकता है, वो आपका हैवी वाटर हो सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग बेटा। बट आपने शायद कंफ्यूज कर दिया उसके साथ, तो बी नहीं लगाना है, डी लगाना है इस क्वेश्चन में। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, और ये आई थिंक आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसे गड़बड़ ना करें, सही आंसर दें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये भी हमने कंसेप्ट किया था। इज एच सी वी सफिशियंट फॉर अप्रैल अटेम्प्ट? ऑफ कोर्स नॉट बेटा, आपको एच सी वी तो करना ही करना है, उसके बाद भी प्रैक्टिस करनी है, बट एच सी वी कर लेना आई थिंक एक यू नो एक पॉइंट है जो आपको यू नो करना ही पड़ेगा, उतना तो करना ही पड़ेगा। सर व्हेन विल यू टीच ऑल दिस अगेन? बेटा नेक्स्ट ईयर ऑफ कोर्स बेटा, नेक्स्ट इन नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में, है ना, कीप वेटिंग फॉर इट। ज्यादातर बच्चे ए लिख रहे हैं, कुछ बच्चे डी भी लिख रहे हैं, तो दोनों एक्सट्रीम पे ही आंसर हो सकता है, बट ए इज द राइट आंसर, नॉट डी। इफ यू आर थिंकिंग ए देन दैट इज करेक्ट, प्लस फोर करिए। तो कुछ 21 क्वेश्चन किए हमने, और ये जो आपका प्रोडक्शन फैक्टर होता है, न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर भी बोलते हैं इसको, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर या न्यूट्रॉन रिप्रोडक्शन फैक्टर क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर प्रोडक्शन का रेट ज्यादा है ना, अगर प्रोडक्शन का रेट ज्यादा है कंजम्पशन से, लॉस कैसे हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, चेन रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, तो अगर वो ज्यादा है तो उस केस में बेटा चेन रिएक्शन एक्सेलरेट करेगी, एक्सप्लोजन हो जाएगा, यही आपका एटॉमिक बॉम्ब का कंसेप्ट हुआ, है ना, सुपर क्रिटिकल मास बोलते हैं उसको, है ना, क्रिटिकल मास से थोड़ा सा ज्यादा है सुपर क्रिटिकल। और अगर स्लो डाउन करना है तो के को वन, लेस देन वन रखो, सब क्रिटिकल बोलते हैं उस सिचुएशन को। के इक्वल टू वन वाली सिचुएशन में परफेक्टली रिएक्शन स्टेडी रहती है आपकी, और उस केस में क्रिटिकल साइज एंड इसका करिस्पॉन्डिंग क्रिटिकल मास कहलाता है, तो वो क्रिटिकल वर्ड वहां से आता है। ठीक है, के इक्वल टू वन इज दैट स्टेट जहां पे कंट्रोल्ड होती है पूरी तरह से रिएक्शन। तो ये बच्चों आपके 21 क्वेश्चन हुए एक घंटे के भीतर आराम से, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, बट थोड़ी और प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे देके जा रहा हूँ। और साथ साथ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो राइट अवे विथ योर फ्रेंड्स फैमिली, है ना, हैशटैग जेई लाइव डेली जरूर यूज करना। अगर आप यहाँ पे रेगुलरली नहीं आ रहे हैं किसी वजह से, आपने शायद सब्सक्राइब किया है बट बेल आइकन नहीं दबाया है, बेल आइकन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस यू हैव नॉट प्रेस्ड इट। भूल से भी बच्चे अगर नहीं लगाया तो लगा जरूर देना, क्योंकि यहाँ पे ये बेल आइकन आपको रिमाइंड करेगा आपके फेवरेट टॉपिक्स, आपके वीक टॉपिक्स स्पेशली जब भी आते हैं उनको आकर लाइव देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग, डू शेयर दिस नॉलेज आपकी यू नो जो भी जितनी भी प्रिपरेशन बच्चों अभी हो पाती है, और एकदम फुल ऑन फिर से उसी मोड में आ जाएंगे हम लोग, डोंट वरी। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है, सी टेलीग्राम पे मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, जल्दी से आप टेलीग्राम की ऐप को पहले डाउनलोड करें, tinyurl.com/jeelivechat। कई बच्चों के लिए लिंक वर्क नहीं कर रहा है तो मैं बता देता हूँ कैसे वर्क करता है, tinyurl.com/jeelivechat को ब्राउजर में लिखना है। ठीक है, पहले इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद ब्राउजर में, क्रोम में, फायरफॉक्स में, जो भी आपके पास फोन में ब्राउजर है उस पर ये चीज लिख के एंटर मारनी है, सर्च नहीं करना है, गूगल सर्च नहीं करना है। तो वहां पे बहुत सारा बड़ा सा ग्रुप है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, वहां पे हम रेगुलरली जो भी इंफॉर्मेशन है लेक्चर्स की, उनके नोट्स, उन है ना मोटिवेशन, जो चीजों के आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरत है वो रेगुलरली वहां शेयर करते हैं। ठीक है, गेट इन टच देयर। Unacademy subscription, the best thing out there. बच्चों अगर आपको इस तरह की लर्निंग इस चैनल से पसंद आ रही है, आपको 1000 times better एक और यू नो प्लेटफॉर्म है Unacademy subscription, वो उस पर यू नो अगर आप अवेल करते हैं तो इस तरह की प्रैक्टिस हम रेगुलरली कर रहे हैं। बच्चे जैसे यहाँ पे आप लाइव चैट में लिख रहे हो, बट साथ साथ ये जो पोल फीचर है ना, जो लीडर बोर्ड पोजिशन है, जो पोल फीचर है, दिस इज द माइंड ब्लोइंग फीचर। आप इस तरह से कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस अगर रेगुलरली करते हैं इन पोल्स में, तो आपका लेवल, जैसे मैंने कहा था ना एक बच्चे को रैंक बूस्टर कोर्स में डेढ़ महीने ही आके उसने अपने मार्क्स मेन के डबल कर लिए। थिंक अबाउट दिस, दिस इज हाउ इफेक्टिव दीज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर रियली। टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया लेवल की चली रही है, टेस्ट सीरीज के साथ आपको एनालिसिस मिलती है,
जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इंप्रूव करें, कहाँ इंप्रूव करें, कहाँ मैं वीक जा रहा हूँ, ये सब आपको अगर टाइम टू टाइम एनालिसिस में मिलता है तो बेटा उससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती है। और ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग डाउट क्लियरिंग, रेगुलर डाउट क्लियरिंग, जो बच्चे रेगुलर है सबके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको वहाँ पे बैचेस में इंडिविजुअली पढ़ा रहे हैं, आप क्या कर सकते हो, जल्दी से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। ज़्यादातर आप में से बच्चों ने कर रखी, मुझे पता है कोई नया अगर आया है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप नंबर वन ऐप है एजुकेशन में, उसको जल्दी से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप उसमें मेन्यू में आईटी जेई सेलेक्ट करें। नीट टारगेट है तो नीट करना है, बट आईटी जेई स्टूडेंट्स या एमएसटी सीटी वेस्ट बंगाल जेई जो भी आपके जो भी एंट्रेंस एग्जाम है बेटा इस कैटेगरी में उसकी तैयारी, बिट सैट वगैरह सबकी तैयारी यहाँ पे चालू है। सो गेट द सब्सक्रिप्शन, यू हैव टू पे अ मिनिमल प्राइस राइट नाउ। ये चीज अभी बच्चों प्राइस ड्रॉप पे समझ रहे हो आप, ये मिनिमल प्राइस, इससे बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है। कई बच्चे जो प्लस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हैं उनको यही रिग्रेट रहता है एक ही रहता है लेकिन कि यार लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं हम। अगर आप तीन चार दिन भी डिले कर रहे हो, है ना, हफ्ता भी डिले कर रहे हो, यू आर लूजिंग आउट ऑन सम वेरी क्वालिटी एजुकेशन जो कि आप घर बैठे अब अवेल कर रहे हो। सो 1350 पर मंथ विद द कोड जयंत लाइव अगर आप एनरोल करते हैं, मुझे आप टेलीग्राम पे जरूर बताएं एनरोल करने के लिए। आप ये कोड अगर यूज करते हैं तो आप मुझे सपोर्ट करते हैं, आप जब तक प्लेटफॉर्म पे जेई की तैयारी करते रहेंगे मैं आपको गाइड करता रहूंगा बच्चों। एंड दिस इज रियली अ फ्यू मोर थाउजेंड्स ओनली, सो वन ईयर लेने के बजाय दो साल का लोगे तो नेक्स्ट ईयर रिन्यू भी नहीं कराना पड़ेगा आपको, एकदम बढ़िया में पड़ जाएगा। तो ये चीज जरूर आप जल्दी से एनरोल कर रहे हैं। जो लोग सोच रहे हैं सच में मत सोचो यार, दिस इज द बेस्ट थिंग आउट देयर। आई थिंक 1350 या फिर 45 रुपीज पर डे तो कई बार आपका ट्रैवलिंग का खर्चा हो जाता है और आने जाना अलग, ठीक है, वायरस का रिस्क अलग। तो ये इस तरह से इंडिया के बहुत सारे बच्चे अब पढ़ रहे हैं, आप भी अवेल करें इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। साथ साथ अनअकैडमी नीट हमारा एक इनिशिएटिव है, यूट्यूब चैनल से ये सारे, इन सभी को आप सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में बताएं जो नीट स्टूडेंट्स है, बायो के स्टूडेंट्स है, अनअकैडमी नीट को फॉलो करें आज से। जेई इंग्लिश द डेडिकेटेड इंग्लिश चैनल, इफ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश यू शुड डेफिनेटली गो एंड विजिट दिस। वहां पर भी बहुत अलग कॉन्टेंट चल रहा है, अलग अलग ही तरीके से डिलीवर हुआ, उसको भी चेकआउट करें। जो बच्चे छोटी क्लासेस में फाउंडेशन के लेक्चर्स आप लोग देखते रहें जरूर, अपने भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को दिखाते रहें, थैंक यू सो मच। एंड लेट्स क्रैक ऑल दीज एग्जाम्स विद दिस टेम्परामेंट, विद दिस एटीट्यूड के यार चले चाहे कुछ भी हो सिचुएशन, घर बैठे भी बच्चों हम पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो ये आज की टेक्नोलॉजी हो गई है, इसका बेनिफिट उठाओ, कीप वॉचिंग लेक्चर्स रेगुलरली, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड अप्रिसिएशन, विल मीट वेरी सून, ठीक है। कुछ जनरल क्वेरीज मैंने जरूर देखी चैट में, सबको पर्सनली एड्रेस नहीं कर पाया जितनी कर पाया, बट आप रेगुलरली स्पेशल क्लासेस में आते रहो, वहां पे कुछ जनरल क्वेरीज में आपको एड्रेस करता हुआ दिख जाऊंगा। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे रहो, फ्री क्लासेस तो देखो कम से कम, है ना बच्चों। तो चलो बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, आई विल सी यू अगेन वेरी सून, बाय।